हेलो फ्रेंड्स आज हम इस लेक्चर के माध्यम से माइक्रो कंट्रोलर के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारे सिलेबस में है वो माइक्रो कंट्रोलर एट जीरो फाइव वन चिप है और पहले ही हम लेक्चर्स में बता चुके हैं कि जो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंस केवल केवल इतना होता है कि माइक्रो कंट्रोलर में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सिंगल चिप पे फेब्रिकेटेड होते हैं वो किसी भी बायर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं जैसे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस अगर हम बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर देखें तो जो सीपीयू है या माइक्रो प्रोसेसर है उससे इनपुट आउट इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को हम वायर के थ्रू या वायरलेस किसी भी मीडियम से कनेक्ट करते हैं लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता है इसमें उसी चिप में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों ही फैब्रिकेटेड रहते हैं तो वो डिवाइस जो सिंगल चिप होती हो, है उसे माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है एक इंटीग्रेटेड आईसी है जिसमें प्रोसेसर होगा और उसकी जो भी सपोर्टिंग डिवाइसेस हैं कि इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं और डेटा मेमोरीज प्रोग्राम्स हो सकते हैं इनपुट पर आउटपुट पोर्ट्स हो सकते हैं सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस पोर्ट्स हो सकते हैं सारे उसमें अटैच रहते हैं माइक्रो कंट्रोलर डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल इंटरफेसिंग टू सपोर्ट द डिवाइस इंटेल एट जीरो फाइव वन इज़ ए मोस्ट पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर एवर प्रोड्यूज इन दर्ल्ड मार्केट तो यहाँ पे मैं कौन सा स्टडी करना है एट जीरो फाइव वन तो एट बिट माइक्रो कंट्रोलर है ये फोर्टी पिन आईसी होती है ये इसमें फोर के बी क्लो बाइट मेमोरी रोम है का स्टोरेज है और वन ट्वेंटी एट बाइट रैम इस्टोरेज होता है दो सिक्सटीन बिट के टाइमर्स हैं जिनका यूज़ हम काउंटर के लिए करते हैं फोर पैरलर एट बिट पोर्ट्स होते हैं ये हम आगे फर्दर फिगर्स में बत... जो इसका आर्किटेक्चरल फिगर है उसमें एक्सप्लेन करेंगे जो कि प्रोग्रामेबल हैं चार इसमें पैरलर एट बिट पोल होते हैं जिनको हम आसानी से प्रोग्राम कर सकते सकते हैं और इसमें एक क्या होता है क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए क्रिस्टल की जगह होती है उसके बीच में हमें जितनी फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है उससे डबल फ्रीक्वेंसी का क्रिस्टल हम उसमें फिक्स कर देते हैं जैसे अगर हमें सिक्स मेगा की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हम बारह मेगा का क्रिस्टल उन दोनों पिन के बीच में एम्बेड करा देंगे रख देंगे तो यहाँ में हमें फॉलोइंग अब आगे डायग्राम बता रहे हैं उसमें दिखा रखा है कि सिस्टम जितनी भी हैं जो जो भी सिस्टम है इसमें यूज है एड्रेस बस कंट्रोल बस और डेटा बस वो सारी डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं एट बिट डेटा बस है इसमें और सिक्सटीन बिड एड्रेस बस है और बस कंट्रोल सिग्नल्स को ये पास करती है ऑल द डिवाइस लाइक प्रोग्राम मेमोरी पोर्ट डेटा मेमोरी सीरियल इंटरफेस इंटर कंट्रोल टाइमर एंड द सी सभी को इंटरफेस यानी कनेक्शन किया जाता है सिस्टम बस के थ्रू इसका हमें ये डायग्रामेटिकली हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने सी लगा रखा है ये सी पी यू उससे सबसे पहला हमारा जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें इंटरप्ट कंट्रोलर ब्लॉक को अटैच कर रखा है जिसमें दो सिग्नल हमने यूज़ करे एक आई एन टी ज़ीरो आई एन टी वन ये एक्सटर्नल <coughs> इंटरप्ट है सी पी यू फ्रिक्वेंसी सेट करने के लिए हम नोसीडेटर्स का यूज़ कर रखा है और <coughs> इन दोनों के बीच में एक हमने क्रिस्टल लगा सकते हैं जिसकी रेंज है फोर्थ से थर्टी मेगा आर्ट जितनी भी हमें फ्रिक्वेंसी सेट करनी है उसके अकॉर्डिंग हम उसको लगा देते हैं दो टाइप की हैं यहाँ पर रैम और रोम रोम प्रोग्राम कोड के लिए है और रैम डेटा के लिए यूज़ होती है फिर बस कंट्रोल है कि जो भी हमारे पास एड्रेस बस और डेटा बस है उनको कंट्रोल करने के लिए बस कंट्रोलर नाम का एक सर्किट इसमें यूज़ होता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस के लिए जो भी हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस से अटैच करना चाहते हैं उनके लिए चार पोर्ट यहाँ पे दे रखे हैं इनपुट आटपुट उनके थ्रू हम इनको अटैच कर सकते हैं उसके बाद एक काउंटर के लिए सर्किट दे रखा है जिसे हम टाइमर सर्किट बोलते हैं काउंटर सर्किट बोलते हैं इसमें दो हैं टाइमर जीरो और टाइमर वन सिमिलरली सीरियल कम्युनिकेशन के लिए सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट दे रखे हैं जिसमें दो सिग्नल होते हैं एक ट्रांसमिट करने के लिए टी एक्स टी और रिसीव करने के लिए आर एक्स टी तो इस डायग्राम को आप अच्छी से पढ़ लें ये इम्पोर्टेंट है तो सिस्टम बर्ड्स के थ्रू हमने सबको कनेक्ट कर दिया और ये हमने देख ही लिया डायग्राम में एक ही एट बिट की डेटा बस होगी सिक्सटीन बिट की एड्रेस बस होगी और एक बस कंट्रोल सिग्नल होगा जिससे हम दोनों को कंट्रोल करेंगे और बाकी इसमें इंटरप्ट कंट्रोलर है टाइमर है और अदर सी है और सीरियल पोर्ट से इंटरफेस करने के लिए आर एक्स डी टी एक्स सिग्नल का हम यूज़ कर रहे हैं फिर इसमें सबसे सब पहली चीज़ आती है कि एट जीरो फ़ाइव वन का मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हमने यहाँ देखा ब्लॉक डायग्राम में कि दो टाइप की हम मेमोरी यूज़ करते हैं एक रैम है और एक रोम तो, है तो एट ज़ीरो फ़ाइव वन टू मेमोरी एक प्रोग्राम मेमोरी एक डेटा मेमोरी है तो प्रोग्राम मेमोरी जो हमारी कहलाएगी वो रोम वाला सेक्शन होता है एट जीरो फाइव एम जिसका साइज़ हम फोर किलोबाइट दे रखा है और दूसरी होती है डेटा मेमोरी उसका साइज़ वन ट्वेंटी एट बाइट गिवन है जिसको हम रैम बोलते हैं और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है प्रोग्राम मेमोरी को वो एक फ़ोर मेमोरी है और उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू सिक्सटी किलोबाइट मैक्सिमम तक तो टोटल जो हो जाएगा वो सिक्सटी फोर किलोबाइट इसकी मेमोरी सपोर्टिंग हो जाती है तो माइक्रो कंट्रोलर रिक्वायर प्रोग्राम प्रोग्राम को रखने के लिए प्रोग्राम जो होते हैं वो होते हैं कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन और उनको कहीं ना कहीं हमें स्टोर भी करना होता है तो उसको स्टोर करने के लिए जो मेमोरी यूज़ होती है उसे प्रोग्राम मेमोरी बोलते हैं और उस प्रोग्राम के लिए जो डेटा का यूज़ किया जाता है उन डेटा को स्टोर करने के लिए हमें कौन सी मेमोरी का यूज़ होता है डेटा मेमोरी के जो हमारी यहाँ पर क्या रैम है तो यहाँ पे दिखा रखा है एट जीरो फाइव में माइंड कंट्रोलर हैज़ ए फोर किलोबाइट कोड या प्रोग्राम मेमोरी एंड दैट हैज़ फोर किलोबाइट रोम आल्सो वन ट्वेंटी एट बाई डेटा मेमोरी रैम रैम का साइज़ वन ट्वेंटी एट बाई डेटा मेमोरी दे रखा है जो बस हैं दो टाइप की बस हैं वैसे बस का काम क्या होता है कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना किसी भी दो डिवाइसेस के बीच में तो यहाँ पर बसेस का जो साइज़ दे रखा है वो एट और सिक्सटीन बिट के सैमटेशनली दे रखा है और बस जो हैं वो एड्रेस बस हैं और डेटा बस हैं एड्रेस बस का साइज़ सिक्सटीन बिट है जो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एड्रेस को जो जो भी डेटा हम लेना चाहते हैं उसके एड्रेस को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होती है लोकेशन को आइडेंटिफाई करती है और मेमोरी से सीपीयू या सीपीयू से मेमोरी में एड्रेसेस को ट्रांसफ़र करती है इसमें फोर टाइप के एड्रेसिंग मॉड्स होते हैं एक इमीडिएट एड्रेसिंग मॉड है इमीडिएट एड्रेसिंग मॉड का मतलब है कि जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन दे रखा है उसमें डायरेक्टली हमें डेटा दे रखा होगा एक एक ऑपरेंट एटलीस्ट डेटा होगा बाकी अदर रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन हो सकता है फिर रजिस्टर एड्रेसिंग मॉड होता है कि इसमें दोनों ही ऑपरेंट जो होंगे सोर्स और डेस्टिनेशन वाले ये दोनों ही क्या होंगे रजिस्टर होंगे जबकि इससे पहले वाले में क्या था कि डेस्टिनेशन रजिस्टर और मेमोरी में से कुछ हो सकता है लेकिन सोस जो है दैट इज़ द वैल्यू है डेटा है फिर डायरेक्ट एड्रेसिंग मॉड होता है डायरेक्ट मेमोरी पर हम डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं कि मेमोरी लोकेशन आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो रजिस्टर इन डायरेक्ट में क्या होगा कि उस मेमोरी लोकेशन को हम किसी भी रजिस्टर में रखते हैं तो ये वही एड्रेसिंग है मॉड्स हैं जो 8085 में हम लोग स्टडी करते थे तो आप इसको एट से भी पढ़ सकते हैं फिर है नेक्स्ट डेटा बस बिट की डेटा बस होती है जो डेटा को कैरी करने का कार्य करती है क्योंकि सीपीयू जो है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है किसे जा रहा हूँ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है प्रोसेसिंग डिवाइस टू अ माइक्रो कंट्रोलर। इट मॉनिटर एंड कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन दैट आर परफॉर्म बाई माइक्रो कंट्रोलर यूनिट्स तो एंड यूजर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ सी पी यू डायरेक्टली इट रीड द प्रोग्राम रिटर्न इन रोम रोम में से प्रोग्राम को रीड करता है एंड एक्जीक्यूट करता है और डू द एक्सपेक्टेड टास्क ऑफ द एप्लीकेशन एप्लीकेशन का जो भी एक्सपेक्टेड टास्क है उसको परफॉर्म करता है नेक्स्ट इंटरप्ट इंटरप्ट क्या होती है अनवान्ट कंडीशंस होती हैं जो प्रोग्राम में अवकर करती हैं और इन in इंटरप्ट के रिस्पेक्टिवली एक सब रूटीन होता है जिसको कॉल किया जाता है जहाँ पर प्रोग्राम लिखा होता है और उसको नॉर्मल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना छोड़ के वो उस स्पेशल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो इंटरप्ट इज़ ए रूटीन कॉल दैट इंटरप्ट द माइक्रो कंट्रोलर मेन ऑपरेशन और वर्क और कॉज इट टू एग्जीक्यूट एनी अदर प्रोग्राम विच मोर इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन तो इंटरप्ट का जो मेन फीचर है वो इमरजेंसी ऑपरेशन है कि आप कोई भी काम कर रहे हो वो स्टॉप हो जाएगा पहले आपको उसको सर्विस प्रोवाइड करना कंपलसरी होता है एंड इंटरप्ट गिव द टू पुट ऑन होल्ड ऑन गोइंग ऑपरेशन यानी कि जो ऑपरेशन वो कर रहा है उसको होल्ड पे रख देगा उससे अभी कोई परफॉर्म नहीं करेगा लेकिन जो इंटरप्ट जिसकी वजह से हुआ है उसको आपको सर्विस देनी चाहिए एट एट फाइव वन माइक्रो कंट्रोलर उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा फिर आते हैं कि कितने टाइप के होते हैं इंटरप्ट तो इंटरप्ट यहाँ पर पाँच टाइप के हैं एक आई एन टी ज़ीरो टी एफ ज़ीरो आई एन टी वन तो टी एफ वन आर वन और टी वन तो आई एन टी जीरो आई एन टी वन एक्सटर्नल इंटरप्ट हैं, निगेटिव एस टिकार्ड होते हैं या लो लेवल टिकार्ड हैं, यानी कि जब भी निगेटिव पल्स आएगी और लो लेवल पल्स होगी तब ये एक्टिवेट होते हैं उसके रिस्पेक्टिवली जो फ्लैग हैं वो एक्टिव हो जाते हैं फिर नेक्स्ट आता है टी एफ फ्लैग और इससे पहले इंटर फ्लैग को क्लियर किया जाता है और जैसे ही आप क्लियर करोगे तो जो भी आईएनटी और आईएनटी एन वन के रिस्पेक्टिवलींटर सर्व रूटीन है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा नेक्स्ट है टी एफ जीरो और टी एफ वन ये टाइमर इंटरप्ट है तो ये टाइम के अकॉर्डिंग हमारे एग्जीक्यूट करते हैं कि अगर टाइम के अकॉर्डिंग हमें एग्जीक्यूशन करना है तो ये टाइम इंटरप्ट कहलाते हैं एक एक्स्ट्रा इंटरप्ट होता है आर वन टी वन फिर ऑसीलेटर्स ऑसीलेटर्स का काम क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी देना किसी भी डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसको हम कोई फ्रीक्वेंसी असाइन करना चाहते हैं तो असाइन करने के लिए हम ऑसिलेटर्स का यूज़ करते हैं तो ऑसिलेटर में हम यहाँ पर किसका यूज़ कर रहे हैं क्रिस्टल का यूज़ कर रहे हैं तो उस क्रिस्टल को हम वहाँ पर लगा देते हैं या आप डायरेक्टली ओ से भी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो तो दोनों ही ऑप्शन होते हैं ये सेम एजिटि जैसे एट जीरो एट फाइव में था सेम एज इट इज यहाँ पे भी है तो यहाँ पर क्या है अगर इसको स्टडी करेंगे वी नो दैट द माइक्रो कंट्रोल डिवाइस एक डिवाइस है इसलिए ये क्या क्या करती क्लॉक पल्स को किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए और इस परपज़ के लिए इसमें ऑन चिप ऑसिलेटर होता है विच वर्क ऑन ए क्लॉक जो कि क्लॉक पे वर्क करता है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट के की एंड द आउटपुट पल्स ऑफ ऑसिलेटर आर स्टेबल वो स्टेबल रहती हैं देर फॉर इट इनक्रोनाइज वर्क फॉर आल पार्ट्स ऑफ द एट जीरो फाइव वन दैन इनपुट आउटपुट पोल्ट तो यहाँ पर चार इनपुट आउटपुट पोल्ट नॉर्मली माइक्रो कंट्रोलर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एम्बेडेड सिस्टम्स में जो कंट्रोल करता है मशीन्स को के ऑपरेशन को देर फॉर टू कनेक्ट इट अदर मशीन इसलिए ये दूसरे मशीन से भी कनेक्ट किया जा सकता है डिवाइसेस से भी कनेक्ट कर सकते हो या अदर किसी पैरिफुलर डिवाइस से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं इंटरफेसिंग पोल्ट होते हैं तो यहाँ पर जो इंटर फेसिंग पोल्ट दे रखे हैं वो चार पोल्टस दे रखे हैं जो इनपुट की तरह और आउटपुट दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं और उनसे हम चार डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं नेक्स्ट आता है टाइमर एंड काउंटर तो दो सिक्सटीन बिट टाइमर्स हैं जो काउंटर की तरह भी भी है में लाए जा सकते हैं दिस काउंटर आर अगेन डिवाइडेड इन टू एट बिट रजिस्टर एट बिट रजिस्टर में, में को डिवाइड करते हैं एंड टाइमर आर यूज टू मेजरमेंट ऑफ द इंटरवल टू एडिटर माइन द पल्स विद ऑफ द क्लॉक नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एट जीरो फाइव वन माइक्रो कंट्रोलर एट जीरो फाइव वन माइक्रो कंट्रोलर की जो मेन एप्लीकेशन है वो लाइट सेंसिंग डिवाइस होती हैं उनमें हम यूज़ कर ते हैं टेम्परेचर सेंसिंग में यूज़ करते हैं एम्बेडेड सिस्टम में आप इनका यूज़ करते हो फायर डिटेक्शन में सेफ्टी डिवाइसिस में होता है ऑटोमेट ऑटोमोबाइल एप्लीकेशंस में डिफेंस एप्लीकेशन में सारी जगह आप इनका यूज़ करते हो जहाँ पे भी हम कुछ ऑटोमेशन करना चाहते हैं